नमस्कार दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है, चलता रहूंगा पथ पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियोज में जो आपका अपार हमें सहयोग मिल रहा है उसके हम आभारी है, और उसी कड़ी में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व में आज आपको मैं तीन ऐसे करेक्टर कराऊंगा जिनसे HSSC हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगी। तो दोस्तों, हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इस कड़ी में नाम आता है कल्पना चावला। दोस्तों, हरियाणा HSSC यहां से एक क्वेश्चन डेढ़ श्योर पूछता है। दोस्तों, कल्पना चावला का संबंध है करनाल से। ये क्वेश्चन कम से कम चार बार HSSC ने पूछ लिया, कल्पना चावला का संबंध कहाँ है, से है करनाल। दोस्तों, इनकी जन्म की डेट है ना, उसमें किताबें भी कन्फ्यूज है और किताबें इनकी डेट ऑफ बर्थ है वो गलत दिखाती है। दोस्तों, सभी किताबें इनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाती है 1 जुलाई 1961। एक्चुअल में दोस्तों, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो रियल में है 17 मार्च 1962। एक्चुअल में इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1962, लेकिन किताबें दिखाती है दोस्तों 1 जुलाई 1961। दोस्तों, जो 1 जुलाई 1961 डेट ऑफ बर्थ है वो इनकी 10th की DMC की डेट ऑफ बर्थ रहेगी, और जो 17 मार्च 1962 है ये इनकी ना रियल डेट ऑफ बर्थ है, जो इनके घर वालों ने बताई है कि इनकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17 मार्च 1962। तो दोस्तों, हरियाणा HSSC ऐसे क्वेश्चन शायद ही पूछे, अगर पूछे तो विवादास्पद क्वेश्चन है। अगर आई एक्चुअल में इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 17 मार्च 1962। दोस्तों, कल्पना चावला को यहाँ से इंडिया जी के भी क्वेश्चन पूछ लेती है, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, इनको कहा जाता है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री किसे कहा जाता है, कल्पना चावला को। दोस्तों, पहली बार ये अंतरिक्ष में गई थी 1997 में। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन लाजमी बनेगा कि पहली बार कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी, 1997 में, और इनको क्या कहा जाता है, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। दोस्तों, कल्पना चावला, टाइम था 1 फरवरी 2003। टाइम था दोस्तों, ये क्वेश्चन कम से कम 3 से लेकर 4 बार आ गया कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई। दोस्तों, कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी 1-2-3, यानी 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हुई। दोस्तों, अगर आई कल्पना चावला अंतरिक्ष में किसकी ओर से गई थी, तो अमेरिका की ओर से। अंतरिक्ष में किस देश की ओर से गई थी दोस्तों, ये अमेरिका की ओर से गई थी। इनका देहांत कब हुआ, 1 फरवरी 2003 को। दोस्तों, एक बार हरियाणा HSSC ने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया और बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गए। HSSC ने दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था, कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त। HSSC ने ये पूछा था दोस्तों, कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ। सभी बच्चों के क्वेश्चन ये गलत हो गया। एक्चुअल में दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कोलंबिया विमान में ही तो कल्पना चावला थी। कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त भी कब हुआ, 1-2-3, यानी 1 फरवरी 2003, और कोलंबिया विमान में कौन थी, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला का देहांत और कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त दोनों एक ही बात है। ये कब हुआ था दोस्तों, 1 फरवरी 2003। अगर आए दोस्तों, कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल कहाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। अगर आई कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल कहाँ बना, तो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, और कल्पना चावला का संबंध पूछे तो दोस्तों हमारा हो जाएगा करनाल। हरियाणा HSSC यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है, करनाल। एक बार आया इनकी मृत्यु कब हुई, 1 फरवरी 2003। एक बार आया पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, और दोस्तों एक बार हरियाणा HSSC ने पूछा कि कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ। दोस्तों, इसी कड़ी में एक करेक्टर और आता है, राय बहादुर लाला मुरलीधर। दोस्तों, राय बहादुर लाला मुरलीधर से भी हरियाणा HSSC एक क्वेश्चन आपसे श्योर पूछेगी। नाम था राय बहादुर
लाला मुरलीधर। दोस्तों किताबें इनको ना दिखाती है अंबाला, एक्चुअल में इनका जन्म हुआ था पलवल में। अगर आए राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध कहाँ से था दोस्तों, राय बहादुर लाला मुरलीधर का संबंध था पलवल से। ठीक है, किताबें दिखाती हैं दोस्तों इसको अंबाला। और दोस्तों राय बहादुर की इनको उपाधि मिली हुई थी, इनका नाम था लाला मुरलीधर। इनको उपाधि किसकी मिली थी, राय बहादुर की इनको उपाधि मिली हुई। दोस्तों राय बहादुर लाला मुरलीधर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885, एक बार एग्जाम में आया कि हम कांग्रेस डे कब बनाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 दिसंबर। और 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। दोस्तों इनमें ना 72 लोगों ने भाग लिया था, ये क्वेश्चन MIP बन जाएगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने। दोस्तों कितनी बड़ी बात थी कि उन 72 में से हरियाणा की ओर से कौन गए थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर। अगर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने, और उन 72 में से हरियाणा का कौन गया दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा से गया था राय बहादुर लाला मुरलीधर। दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा 1886 में लेकर आई अंबाला। ये क्वेश्चन हरियाणा HSSC ने आज तक दो बार पूछा है कि राय बहादुर लाला मुरलीधर 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा कहां लेकर आए दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा अंबाला। दोस्तों इन्होंने गांधी के सारे आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इन्होंने अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी, राय बहादुर की। अगर आए राय बहादुर लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि कब लौटाई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। और असहयोग आंदोलन चला था दोस्तों 1920 से लेकर 1922 में, और इस आंदोलन के दौरान लाला मुरलीधर ने कौन सी उपाधि लौटा दी, राय बहादुर की। दोस्तों इन्हें हरियाणा का पहला सत्याग्रही भी कहा जाता है। अगर आए हरियाणा का पहला सत्याग्रही कौन था, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों राय बहादुर लाला मुरलीधर। हरियाणा HSSC दोस्तों बताता हूँ इनसे कितने क्वेश्चन पूछ चुकी है। एक ये क्वेश्चन आया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 सदस्यों में हरियाणा का कौन गया था, राय बहादुर लाला मुरलीधर। एक बार आया 1886 में कांग्रेस की शाखा अंबाला में लेकर कौन आए, राय बहादुर लाला मुरलीधर। एक बार आया असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा लाला मुरलीधर। दोस्तों इसी कड़ी में एक हमारा और प्रसिद्ध व्यक्तित्व आती है, संतोष यादव। और दोस्तों संतोष यादव से भी हरियाणा HSSC एक क्वेश्चन पक्का पूछती है। नाम है संतोष यादव। दोस्तों संतोष यादव का संबंध था रेवाड़ी से। जन्म हुआ दोस्तों उनका 1969 में। ITBP की सिपाही थी संतोष यादव। जन्म कब होता है दोस्तों इनका, 1969 में। ये क्वेश्चन दो बार आ गया कि संतोष यादव का संबंध कहाँ से है। दोस्तों संतोष यादव का संबंध था रेवाड़ी से। ये इंपॉर्टेंट है, जन्म कब हुआ इनका, 1969 में जन्म हुआ। दोस्तों ये किस लिए चर्चा में आई, ये मई 1992 और मई 1993 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मई 1992 और मई 1993 में दो बार माउंट एवरेस्ट पर गई थी। ये आता है भारत, ये इंडिया जी के भी पूछता है, भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा संतोष यादव। और हरियाणा HSSC इससे डेड श्योर क्वेश्चन पूछता है कि संतोष यादव का संबंध कहाँ से है, रेवाड़ी से। एक बार ये आया और एक बार आया कि हरियाणा की वो कौन सी महिला थी जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर गई। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है वो 8,848 मीटर रहेगी, और इस पर दो बार जाने का श्रेय किसको मिला था, संतोष यादव को। और दोस्तों इनको ना सन 2000 में पद्मश्री की उपाधि दे दी गई है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार ने सन 2000 में इनको कौन सी उपाधि दी थी, पद्म श्री की उपाधि दी है। दोस्तों इनसे रिलेटेड आज तक हरियाणा एचएसएससी ने दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक पूछा है संतोष यादव का संबंध कहां से था, रेवाड़ी से। एक बार आया ऐसी कौन सी हरियाणा की महिला है जो दो बार माउंट एवरेस्ट पर गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों संतोष यादव। अगर आए कब गई, मई 1992 और मई 1993। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए कि संतोष यादव को कौन सी उपाधि मिली थी, इनको सन 2000 में उपाधि मिली थी पद्म श्री की उपाधि। दोस्तों आज जो हमने करेक्टर कराई राय बहादुर लाला मुरलीधर, कल्पना चावला और संतोष यादव। दोस्तों आप कितने मर्जी विगत एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यहां से आपको क्वेश्चन श्योर मिलेंगे। अगर आपने आज हमारा सेशन अटेंड कर लिया दोस्तों, यहां से कोई भी क्वेश्चन आया तो मेरा आपसे वादा है आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।